हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे चैनल यंग इंडिया पर हम हमारे देश के यूथ को गाइड करने की और इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं। तो उसी सीरीज़ में एक और वीडियो हम लेकर आए हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे हम आईएएस एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, अभी तक हम आईएएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कई वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों ने उन्हें बहुत देखा है, अप्रिशिएट किया है, शेयर किया है, आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट्स के माध्यम से आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी मिले हैं। तो एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, खास करके स्कूल के बच्चों का या कॉलेज के बच्चों का, वो इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत सारे डाउट होते हैं। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आईएएस एग्ज़ाम देने के लिए कौन एलिजिबल है, थोड़ा सा इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि आईएएस एग्ज़ाम देने का ड्रीम कौन देख सकता है और इस ड्रीम को कौन अचीव कर सकता है। तो टोटल दो पार्ट्स में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले तो आईएएस एग्ज़ाम का सपना कौन देख सकता है, और दूसरा, आईएएस एग्ज़ाम के सपने को देखने के साथ साथ उसे अचीव कौन कर सकता है, इस एग्ज़ाम को क्रैक कौन कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले पहला ही टॉपिक ले लेते हैं कि इसका सपना कौन देख सकता है। तो दोस्तों, भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र है 21 साल से 32 साल के बीच में, वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये जो मैक्सिमम एज है 32 साल की, इसमें और रिलैक्सेशन है। अब कितना किस कैटेगरी को रिलैक्सेशन है, तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहाँ पर जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था उसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। इवन भारत के नहीं, नेपाल और भूटान के नागरिकों को भी इस एग्ज़ाम में बैठना अलाउड है। दोस्तों, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें जब तक उनकी उम्र अलाउ करती है, यानी 32 साल जो उनकी मैक्सिमम एज है, टोटल 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और जो एससी एसटी और ओबीसी वाले हैं उनको अधिकतम उम्र के साथ साथ जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं उनमें भी छूट होती है। तो जैसा मैंने बताया, आप नोटिफिकेशन में जाके देख लीजिएगा कि एससी एसटी ओबीसी को कितनी अटेम्प्ट्स में छूट और है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये अटेम्प्ट्स के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपर्स भी रहे हैं जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स के अंदर प्री भी क्लियर नहीं कर पाए और बाद में चौथे और पांचवे अटेम्प्ट में उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया और बहुत अच्छी रैंक्स के साथ सिलेक्शन हुआ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका प्रीवियस जो अटेम्प्ट्स अपना दूसरा, तीसरा, चौथे अटेम्प्ट के अंदर हर बार सिलेक्शन होता था, लेकिन कम रैंक आती थी तो उन्हें मतलब वो पोस्ट नहीं मिल पा रही थी आईएएस आईपीएस आईएफएस की जो वो चाहते थे, और जो पाँचवें और छठे अटेम्प्ट के अंदर वो हमेशा एग्ज़ाम देते गए और पाँचवें छठे अटेम्प्ट के अंदर उन्हें वो पोस्ट मिल गई जो वो सपना देखते थे। इसलिए ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है इसके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगला जो बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसे ढंग से आप प्लीज सुनिएगा। यहां पर देखिए, भारत की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी भारत की कोई भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन, यानी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे से वो आपकी रेगुलर हो, चाहे से वो आपकी प्राइवेट हो, चाहे से डिस्टेंस की हो, केवल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, चाहे वो आर्ट्स फील्ड में हो, चाहे कॉमर्स में हो और चाहे साइंस में हो। आपके पास बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीएससी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की, सीए की, डॉक्टर की डिग्री हो सकती है, एलएलबी की डिग्री हो सकती है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और सबसे खास बात ये कि इन्होंने कहा है किसी तरह की मिनिमम परसेंटेज इन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं की है। इवन आप मिनिमम परसेंटेज से अगर ग्रेजुएशन में पास है तो भी आप अलाउड है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो बहुत फ्लेक्सिबल एग्ज़ाम है, हर कोई जिसके पास उम्र अलाउड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये एग्जाम प्रोसेस जो है किसी को इस एग्जाम में अपीयर होने से रोकता नहीं है, अगर आपके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। दोस्तों, यहां पर ये जो मैंने बताया आर्ट्स कॉमर्स और साइंस वाला ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्हें ये माइंड में रहता है कि अभी मान लो वो स्कूल में 9th और 10th में, तो उन्हें ऐसे लगता है कि अगर आईएएस बनना है तो 11th में उन्हें आर्ट्स सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आपको करना क्या है, 11th और 12th में मैं कहूँगा वही सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस लीजिए, साइंस को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, बीएससी में, जिसमें भी इंटरेस्ट है वो कीजिए, आपका आपका इंटरेस्ट है वो कीजिए। कोई भी जो है ग्रेजुएट जो है, अगर उसकी इच्छा है, वो आईएएस का एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। और यहाँ तक मैं बता दूँ, अगर आप बीएससी वाले स्टूडेंट हैं तो आप चाहे तो एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट
साइंस का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स का भी ले सकते हैं, कॉमर्स का भी ले सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक होता है, बाकी सारे पेपर कॉमन होते हैं। आप कोई सा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है कि आर्ट्स वाला आर्ट्स का ही लेगा, साइंस वाला साइंस का ही लेगा। तो आप 11th 12th में या कॉलेज में वो पढ़ाई कीजिए जो आपको करियर में आगे ले जा सकती है। अब इसे आप इस हिसाब से मत सोचिए कि IAS बनना है इसलिए मुझे आर्ट्स लेना ज़्यादा सही रहेगा। आप वो सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपका सबसे ज़्यादा मन है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो IAS के अलावा और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन देंगे। मैं आपको बता दूं, हर साल जितने भी लोग टॉप करते हैं उनमें बहुत सारे बच्चे IIT से होते हैं, मेडिकल फील्ड से होते हैं, CA होते हैं, LLB होता है। तो उनके पास क्या होता है, अगर मान लो IAS के अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कॉलेज की स्कूल की पढ़ाई की है वो उस चीज़ में की है जिसमें उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, आगे एक और होता है कि जब आप प्री क्लियर कर लेते हो, मेन क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के साथ मेडिकल भी होता है। तो मेडिकली फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर। अब मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, इसमें क्या क्या चेकअप करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, एक वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो दिव्यांग लोग हैं या फिजिकली हैंडी केप लोग हैं वो लोग भी इस एग्जाम में अलाउड है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कितनी फिटनेस ये देखते हैं, कितनी डिसेबिलिटी अलाउड है, उसके बारे में भी मैं रिसर्च करके एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आँखों से दिखता नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी है, कानों से सुनने में प्रॉब्लम आती है, वो भी IAS बने हुए हैं, उन्होंने भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है। दोस्तों एक सवाल जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं वो ये है कि सर ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए लंबे टाइम तक पढ़ाई करनी पड़ती है, कोचिंग भी लेनी पड़ती है, मिनिमम 1 साल से लेकर आपको 2 साल तक तो तैयारी करनी पड़ती है, तो इसके लिए बहुत फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है, और उनके पास वो नहीं है क्योंकि उनके पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में क्या किया जाए? दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कुछ ही टाइम पहले एक कैंडिडेट IAS बना था और वो कहते हैं कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। अब आप समझ सकते हैं कि वो नौकरी इसलिए करता होगा क्योंकि उसके परिवार को पैसों की ज़रूरत होती होगी, लेकिन साथ में वो जो उसके पास टाइम बचता था उसके अंदर वो इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। कई ऐसे लोग हैं जिनकी माँ कई घर में झाड़ू लगाती थी, जिनका बाप रिक्शा चलाया करता था, लेकिन वो IAS बने। ठीक है, पैसे की कमी जो है बहुत लोगों के पास होती है, इसका मतलब ये नहीं है हम सपना देखना बंद कर दें। कोई ना कोई रास्ता निकालिए, आप कोई नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, और बचा हुआ जो टाइम है उसके अंदर पढ़ाई कीजिए, और जब ऐसा टाइम आ जाए जब आपके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए तब थोड़ी बहुत छुट्टी ले लीजिए। ठीक है, और इस एग्ज़ाम का, इस ड्रीम का जो है वो अपना जो है फॉलो कीजिए। कई लोग इस तरीके से भी करते हैं कि पहले किसी गवर्नमेंट जॉब को पकड़ लेते हैं और बाद में उसके साथ में IAS की तैयारी करते रहते हैं, बाद में जब उनको लगता है कि अब एग्ज़ाम आ गया है या एग्ज़ाम देना है तो छुट्टी वगैरह ले लेते हैं, जो भी उनके डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से। कहने का मतलब है पैसा जो है वो आपको रोक नहीं सकता है, पैसे की कमी जो है, अगर आपके पास ड्रीम जो है उसके लिए, ड्रीम के लिए डिसिप्लिन है और डेडिकेशन है। आप एक काम कर सकते हैं, कहीं कोचिंग वगैरह लेनी है तो वहाँ पे जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं, आपको वो कुछ काम में लगा सकते हैं, कि मान लीजिए आपको कुछ कॉपी चेक करने का कुछ काम दे दिया, तो इस तरीके का कुछ हो सकता है। कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लीजिए दोस्तों, सपने को जो है साइड में मत रखिए पैसे की कमी की वजह से। एक सवाल बहुत सारे बच्चों का ये आता है कि सर हम बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं और इस एग्ज़ाम के अंदर तो बहुत टैलेंटेड बच्चे चाहिए जो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तो हमारे बस की तो शायद बात नहीं होगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, सबसे पहले तो भगवान ने सबको बराबर दिमाग दिया है, कोई भी बिलो एवरेज, अबोव एवरेज और एवरेज नहीं होता है। आप ये देखिए कि अगर आप ये डिसाइड करते हैं, आपके मन में ये आ रहा है कि मुझे IAS बनना है, तो अगर बनना है तो सबसे पहले NCERT की किताबें उठाइए, क्या आपको उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, फिर सिलेबस देखिए और उससे थोड़ा अंदाज़ लगाइए कि क्या आगे और पढ़ाई करने में आपको मज़ा आएगा। अगर पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। क्या आप 1 साल 2 साल इसके लिए समर्पित होने के लिए देने को तैयार है? इसके लिए आपको गाइडेंस भी लेनी पड़ेगी, कोचिंग भी लेनी पड़ेगी, बहुत सारी और चीज़ें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा, और एक ही काम में आपको लगाना पड़ेगा अपने आप को, सब कुछ सेक्रीफाई करते हुए। अगर वो सब कुछ कर सकते हैं आप, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो। हो सकता है आप अपने आप को बिलो एवरेज इसलिए मानते हो क्योंकि आज तक जो आपने पढ़ाई की है उसको मन से नहीं किया है, उतना समर्पित होकर नहीं किया है, या आपका इंटरेस्ट नहीं था।
आपका पर्पज़ क्लियर नहीं था, इसलिए आपके मार्क्स कम आते थे और आप अपने आप को कमज़ोर मानने लगे हो। लेकिन अगर आज आपको आपका पर्पज़ मिल रहा है, उस पर्पज़ की वजह से एक्साइटमेंट मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, तो आप कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने सब बातें की है कि कौन इस एग्ज़ाम को अपीयर करने का सपना देख सकता है, पूरी एलिजिबिलिटी की बात की, उसके अलावा आपके कई डाउट थे उनके भी बात की। अब इसे क्रैक कौन कर सकता है? दोस्तों हर कोई इंसान जो है इसे क्रैक करने की एबिलिटी रखता है। ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे नहीं चाहिए, इसमें वो चाहिए जो डेडिकेटेड हो, समर्पित हो। आप 1 से 1.5 साल 2 साल की कड़ी मेहनत कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप अपने आप से पूछिए क्या आपको जो इसका सिलेबस है उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो शायद आप सही दिशा में जा रहे हैं। हो सकता है आपकी फाउंडेशन वीक हो, आपको अपने दम पर समझने में कमजोरी महसूस होती हो, तो आप किसी की कोचिंग की हेल्प लीजिए, किसी की गाइडेंस लीजिए। इसके अलावा आपको सब कुछ करना पड़ेगा, केवल पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना ही होगी, और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हर में आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आपने इतना बड़ा सपना देखा है तो उसके प्रति अगर आप समर्पित होकर, डेडिकेटेड होकर, पूरी जिद के साथ अगर मेहनत कर सकते हो तो आपको इसे अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इतना बड़ा सपना देखते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं तो इसके कई फायदे हैं। और कई छोटे मोटे जो सपने होते हैं ना, जैसे हम कई और छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, वो तो आप इजीली क्रैक कर लोगे। पहली चीज उसका फायदा ये है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे। और दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, जिंदगी हमें एक ही बार तो मिलती है, और जिंदगी के अंदर कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो मनुष्य से बड़ा हो। जिंदगी में कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो मनुष्य से बड़ा हो, हारता वही है जो लक्ष्य के सामने खड़ा नहीं होता है, उसे टकराता नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों का आंसर मैंने दे दिया है। अगर इस अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।